हेलो गाइज, मैं एडवोकेट दिनेश संधू आपका वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 अक्टूबर को जो एलम एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए, उसका रिजल्ट आरएचपी नुस्ती ने इशू कर दिया है। अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूँ तो बहुत कम बच्चों के मार्क्स आए हैं, और अबव 60 बात करूँ तो बहुत कम बच्चे हैं जिनके अबव 60 मार्क्स आए। अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो 73, जितना मैंने इस रिजल्ट को देखा तो 73 यहाँ पर टॉपर है। अगर आपको कोई और लगता है कि इससे ज़्यादा मार्क्स किसी और बच्चे के हैं तो आप कमेंट में वो मार्क्स जो है बता सकते हैं विद रो नंबर। कट ऑफ की बात करूँ तो मैं कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कहाँ तक इस बच्चे की एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हो सकती है इस कोर्स में। तो फिलहाल 30 सीटें हैं, 30 सीटों के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, और 30 में से 20 सीटें जो है वो सब्सिडाइज हैं और 10 सीटें जो है वो नॉन सब्सिडाइज हैं। तो इन 30 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट जो है वो आज यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिया है। तो आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे रिजल्ट ये अपलोड हो चुका है। कुछ दिनों में काउंसलिंग शेड्यूल भी आएगा, तो जैसे वो काउंसलिंग शेड्यूल आता है, इशू होता है, सबसे पहले वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।